प्रदेश स्तरीय टेक होम राशन घोटाले की सीएजी की रिपोर्ट सामने आने के बाद महिला बाल विकास विभाग में हुए गड़बड़ झोले की परतें उतरने लगी हैं। जानकारी के बाद अब विपक्ष भी सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधने लगा है। आप पार्टी ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। आम आदमी पार्टी रीवा इकाई ने कलेक्टर कार्यालय के सामने इस घोटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पार्टी के जिला अध्यक्ष ग्रामीण के प्रदेश अध्यक्ष की बातों को आगे बढ़ाया और कहा कि 8 जिलों में रीवा जिला सबसे अव्वल है, जिसमें लगभग 34 करोड़ का घोटाला हुआ, और कहा कि यदि 3 वर्ष की ही पूरे प्रदेश की जाँच की जाए तो यह राशि काफी ज्यादा हो गई। जांच में पता चला है कि राशन को ढोने वाले ट्रकों की जगह फर्जी गाड़ी नंबर दर्शाए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग के साथ साथ मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी मांगा है। पोषण